वायुयान चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 58mm थर्मल प्रिंटर के बारे में कि उसमें क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती है और हम उन्हें कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोडक्ट है 58mm थर्मल प्रिंटर जो कि आप हमारी वेबसाइट yuan.com से परचेज कर सकते हैं। ये प्रिंटर है, इसमें आपको मैनुअल मिल जाएगा, सीडी ड्राइव मिल जाएगा और यूएसबी पावर केबल दोनों ही आपको मिल जाएगी इसमें केबल। ये प्रोडक्ट है, ओके। तो आप ये प्रोडक्ट yuan.com से परचेस कर सकते हैं। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स में आप पहली प्रॉब्लम फेस करते हैं पेपर लगाने के बाद में कि पेपर जो है ब्लैंक आता है, यानी कि उस पर कोई भी प्रिंट नहीं निकलता है। तो हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं, प्रिंटर में केबल कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने पेपर लगाया, अब जैसे कि आप देख रहे हैं अगर हम टेस्ट पेज देंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि पेपर पूरा ब्लैंक निकल रहा है। अब उसका कारण क्या है कि पेपर क्यों ब्लैंक निकल रहा है? बिकॉज ये पेपर जो है वो गलत लगा है। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो पेपर है वो हमें ग्लॉसी साइड से लगाना है। पेपर की दो साइड है जहाँ पे सिर्फ एक ही साइड में आपका प्रिंट आउट निकलेगा। तो आपको करना क्या है कि पेपर की साइड पे एक स्क्रैच मारना है। अगर स्क्रैच मारने पे एक ब्लैक कलर का निशान आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको कटर की साइड पर रखना है, मतलब जो ग्लॉसी साइड रहेगी वो कटर की साइड रहेगी। तो हम पेपर लगा देते हैं, या आपको उस पेपर अंदर रखना है और ये बॉक्स को क्लोज कर देना है। तो हमने पेपर रोल लगा दिया है, अब हम टेस्ट पेज देने वाले हैं। तो टेस्ट पेज आपको कैसे देना है, सबसे पहले ये जो ब्लू लाइट है यहाँ से हम इसे बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फीड का बटन है, आपको उस फीड के बटन को दबाए रखना है और दूसरे हाथ से इस वाले बटन को ऑन करना है। जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक करे, आपको इसे छोड़ देना है। अब आप देख रहे होंगे कि टेस्ट पेज निकल गया है और पेपर पे प्रिंट भी आ गया है। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो एक कॉमन इशू है जो यूजुअली यूजर फेस करता है जब वो प्रिंटर परचेज कर लेता है और जब पेपर इंसर्ट होता है, वो है लाइट का ब्लिंक करना। तो ऐसा होता है कि रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है। तो जब रेड लाइट ब्लिंक करती है तो इसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कि जो आपने पेपर लगाया है उसे आप सही तरीके से लगाएं, क्योंकि अगर आप पेपर गलत लगाएंगे तो ये रेड लाइट ब्लिंक करेगी। जैसे ही आप पेपर को सही लगाएंगे तो रेड लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी। एक प्रॉब्लम और है जो थर्मल प्रिंटर जैसे ही आप ऑन करते हैं प्रिंट आउट देने लगते हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश के बजाय कोई और आती है, चाइनीज या फिर कोई अदर लैंग्वेज। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने सिस्टम में जो आपने ड्राइवर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है उसे आपको रीइंस्टॉल करना है। अब ड्राइवर को आप सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन आएगा। डिवाइस एंड प्रिंटर में जैसे ही आप जाएंगे तो जो आपने 58mm थर्मल प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल किया है उसे आप राइट क्लिक करके रिमूव डिवाइस पे क्लिक करके डिवाइस को रिमूव कर दीजिए। आपका 58mm का थर्मल प्रिंटर जो है उसका ड्राइवर अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब आप इंस्टॉल ऐसे करिए, आप yuan.com पर जाइए, वहां पर आपको थर्मल प्रिंटर का ड्राइवर मिल जाएगा। आप वो कैसे सर्च करेंगे उसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आप 58mm थर्मल प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करेंगे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये इशू आपको फिर भी आ रहा है तो आप इसके लिए यूएसबी केबल को चेंज करके देख लीजिए, या जो पोर्ट में आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो पोर्ट है उसमें आपने जो केबल लगाया है उसे चेंज कर दीजिए, यानी कि आप अपने पोर्ट को चेंज करके दूसरे पोर्ट में केबल लगा दीजिए। और अगर ये इशू अभी भी आपका रिजॉल्व नहीं हुआ है तो अब आपको करना क्या है कि जो प्रिंटर में छोटा बटन है इसे पहले आपको ऑफ करना है और यहाँ पर जो फीड का बटन है उसे आपको प्रेस करना है, और प्रेस करते हुए ही यहाँ पर आपको पावर बटन को ऑन करना है। जैसे ही आप पावर बटन ऑन करेंगे उसके बाद में यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक करेगी। रेड लाइट ब्लिंक हो तब आप यहां से हाथ हटाइए और टेस्ट पेज यहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको तब तक करना है जब तक कि प्रिंटर की लैंग्वेज इंग्लिश पर सेट ना हो जाए।
सो यूजुअली कुछ यूजर्स इस प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं कि जो प्रिंट है वो ऑटोमेटिक निकल रहा है प्रिंटर से, यानी कि प्रिंटर जैसे ही ऑन होता है तो ऑटोमेटिक पेपर निकलता जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि आपका जो थर्मल प्रिंटर का ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया था आप उसे रिमूव कर लीजिए, जिसका ये प्रोसेस है। आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है, वहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे क्लिक करना है। डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 58 mm थर्मल प्रिंटर का ड्राइवर मिलेगा। आपको उस पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिमूव डिवाइस का। जैसे ही आप रिमूव डिवाइस पे क्लिक करेंगे आपका ड्राइवर अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब इसे फिर से इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर vuyarn.com सर्च कीजिए। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो सर्च बॉक्स में आप 58 mm थर्मल प्रिंटर लिखिए, प्रिंटर के पेज पर जाइए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड 58 mm थर्मल प्रिंटर ड्राइवर। आप वहाँ पर क्लिक करके ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए। अब इसे इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस वीडियो को देखिए और डिवाइस को आप फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, सारी केबल प्रॉपरली कनेक्ट करिए और 58 mm थर्मल प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए। आपका इश्यू अगर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप USB केबल को चेंज करके देख लीजिए और इसके पोर्ट को भी चेंज करिए, यानी कि आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जिसमें भी आपने USB केबल लगाया है तो एक बार आप पोर्ट चेंज करके देख लीजिए। अगर ये इश्यू आपका अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आपको अपने सिस्टम में सबसे पहले प्रेस करना है विंडो प्लस आर की। जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा, यहाँ पर आपको लिखना है services.msc, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको नए ऑप्शंस मिलेंगे। आपको इन ऑप्शंस में प्रिंट स्पूलर पर आना है। जैसे ही आप प्रिंट स्पूलर पर आएंगे आपको यहां पर राइट क्लिक करना है प्रिंट स्पूलर पर। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहां से आपको स्टॉप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो जो प्रिंट है वो आने बंद हो जाएंगे। अब आप फिर से प्रिंट स्पूलर पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट टाइप में ऑटोमेटिक लिखा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साथ यहाँ पर आपको क्लिक करना है मैनुअल पर। मैनुअल पर जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं इसको करना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप प्रेस करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस कर देंगे यहाँ पर हमें स्टार्ट करना होगा, इसे स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, अब ऑटोमेटिक प्रिंट आना बंद हो जाएंगे। अब आप सिर्फ प्रिंटर अपना ऑन कर लीजिए, सारे केबल प्रॉपरली कनेक्ट करिए, आपका ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। एक और कॉमन इशू है जो प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे वो है प्रिंट का फेड होना, यानी कि प्रिंट प्रॉपर नहीं आते हैं, फेड करने लगते हैं। तो इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है कि जो आपने पेपर रोल लगाया है आप उसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो पेपर जो है वो लो क्वालिटी का पेपर आप यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ कर रहे हैं फिर भी आपका जो प्रिंट आउट है वो फेड हो रहा है तो इसके लिए आप अब जो है नया प्रिंटर परचेस कर लीजिए, क्योंकि उसको एक साल या उससे ज़्यादा का ड्यूरेशन हो चुका है। अगर आप प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो कॉमन प्रॉब्लम एक न्यू यूज़र अपने प्रोडक्ट के साथ में फेस करता है 58 mm थर्मल प्रिंटर के साथ में, जैसे कि ब्लैंक पेपर का आना, लाइट ब्लिंक करना, ऑटोमेटिक प्रिंट आउट का आना या फिर प्रिंट का फेड होना। तो ये प्रॉब्लम हमने आज डिस्कस की, जिसका कि हमने आपको सॉल्यूशन बताया। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज में हम कैसे 58 mm थर्मल प्रिंटर की सेटिंग करें बैंकिंग कियोस्क के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे फॉलो कर दीजिए। इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा अगर आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम आता है आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे।
और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो आप yuan.com से इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, जिसका कि लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है।